आ गया। अबे भाई ये तो गलत हो गया, भैंस के टांग वापस जोन खींच लिया भाई। 7 किलोमीटर का ऑर्डर, ये तो गलत है भाई। देख लो फर्स्ट माइल चेक करो, 6.15 किलोमीटर। हाँ भाई, लोग कैसे उम्मीद करते कि सब एक नंबर दो कौड़ी के हो गए। भाई कोई बात नहीं, आज 5 घंटे की मेरे पास शिफ्ट थी जोमाटो की, तो जोमाटो लॉगिन कर लिया 4:30 बजे से रात 11 बजे तक, पूरी मतलब शिफ्ट मतलब पूरी शिफ्ट तक, और बीच में 1.5 घंटा नहीं है, तो आप ये समझ लो 5 घंटा मोटा मोटी शिफ्ट है मेरे पास। तो आज देखते हैं कितने रुपये की अर्निंग होने वाली है, क्या होने वाला, और आपको बाइक का भी मीटर दिखा दे रहे हैं। मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ है डिमसिम एक्सप्रेस से, जो कि ये रहा, ये भाई ऑर्डर है, और बाइक का मीटर दिखा दें। मैं यहाँ पे पानी भरने आया था, यहाँ मशीन लगी है पानी की, बहुत ठंडा पानी आता है, तो पानी भरने आया था। ये रहा बाइक का मीटर, 95 किलोमीटर से मैंने शुरू करा था, जो कि मैं कई ऑर्डर मतलब कई ऑर्डर क्या 2-3 ऑर्डर डिलीवर कर चुका हूँ। बाकी आपको बताऊँगा कितनी गाड़ी चली, कितना अपन ने 5 घंटे में खा पी के बचाया जोमाटो में, बताऊँगा सब कुछ। मिलते हैं आपसे डिमसिम एक्सप्रेस पर, ठीक है। लोग आ गए हैं, चल रहे हैं डिमसिम एक्सप्रेस ऑर्डर लेने। तो ये जो डिमसिम है, इसका मतलब क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो बता देना, तो मैं इसे कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें नहीं बताया करूँगा। वैसे मेरे को इन्फॉर्मेटिव लग रही, तो आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी का टाइम देख लो, 6:25 हो चुका है, 4:30 बजे से लॉगिन था, तो ये 2 घंटे वाली स्लॉट ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने गो टू होम मारा था, तो मैं भी देखते कहाँ का ऑर्डर आया, अभी वहाँ रेस्टोरेंट चल के मालूम चलेगा। तो ये डिमसिम होता है एक काइंड ऑफ, आपने स्टीम करने वाले मोमोज देखे होंगे ना, मोमोज को स्टीम करते हैं वो क्या कहते हैं कि एक स्टील के बर्तन में, या स्टील का क्या कहते हैं कि उसको, एल्युमिनियम का बर्तन रहता है उसमें स्टीम करते हैं, बट यहाँ पर जो स्टीम होते हैं ये लकड़ी के स्टीमर में स्टीम होते हैं, तो इसलिए उसको डिमसिम बोला जाता है। डिमसिम का उसी को बोलते हैं जो भी सामने रखा हुआ, देखो कुछ इस प्रकार से है। जाना कहाँ पर, शालीमार गार्डन बे जाना है भैया। 2 वेज डिमसिम है, आईडी है 9592। ये है? ओके, ये है ना मेरा, बिल्कुल सर पिकअप हो गया, देख लीजिए। तो ये है भाई डिमसिम, ये लकड़ी के फ्रेम में, ठीक है, अच्छा शुक्रिया। तो इस पे मतलब एक चाइनीज़ ये मोमोज वगैरह हैं, तो भाई एक पूरा ट्रेडिशनली चाइनीज़ सेगमेंट लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, कि लकड़ी पे जैसे चाइना में देखा होगा आप लोगों ने कि वो लोग लकड़ी में यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनके सारे बर्तन ज़्यादातर लकड़ी के ही रहते हैं, जो कि एक हेल्थ को भी बढ़िया रखता है, अच्छा रखता है, इसमें कोई फालतू की खुराफाते नहीं होती, कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, जिससे कि अपन लोगों की हेल्थ सही रहती है। तो डिमसिम मेन जो चीज़ है वो यही है कि अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो जैसे कि अपन लोग देखते हैं स्टीम करते हैं वो वाले बर्तन में, अरे एल्युमिनियम के बर्तन में, ये करते हैं लकड़ी में, बस यही फ़र्क है डिमसिम का, बाकी सेम चीज़ रहती है। हो सकता है कि आपको डिमसिम मोदक टाइप के दिखें, क्योंकि वो स्टीम होने के बाद थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, मतलब थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाते हैं भाई। लेकिन खाया यहाँ पर, मज़ा आ गया भाई, मस्त था भाई, यहाँ का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। तो चलते भाई, और आज आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं देंगे हम, क्योंकि बस केवल पॉइंट की बातें होंगी वही बताएंगे, ठीक है, मिलते हैं आपसे। सुयस जी के नाम से शुक्रिया भैया। चलो भाई, ये डिमसिम वाला जो ऑर्डर है डिलीवर कर दिया, देखिए कितने रुपए मेरे को मिले हैं। अच्छा 89 रुपीज़ का ऑर्डर था ये, 89 और 19, यानी कि टोटल ग्रांड टोटल इसका, अबे भाई दिखा नहीं रहा, 90 और 20, 109 रुपये आई थिंक सो। तो भाई एक गिग कंप्लीट मैंने करी है 2 घंटे की, देख सकते हो 2 घंटा लॉगिन है, 372 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। मेरे पास अब शिफ्टें नहीं है, और अपन अब चलते हैं नेक्स्ट वाली जो शिफ्ट है हमारी, वो ओपन होगी 7:30 बजे से, और अभी टाइम हो रहा है 6:49, तो अभी अपने पास मतलब अप्रॉक्स 45 मिनट है नेक्स्ट शिफ्ट लॉगिन करने के लिए, तो फटाफट चलते हैं भाई, अपन वेट करते हैं नेक्स्ट शिफ्ट आएगी, तो अपने पास ये समझ लो मात्र 3 घंटे का काम और बचा है,
और अपन काम करेंगे, देखेंगे कितने की अर्निंग होने वाली है, बताएंगे आपको। हाँ भाई, भाई बता दिए होते वहीं आ गए होते हम। ये लीजिए 141 रुपये आपका हो रहा है। ऑनलाइन देंगे क्या? इसको पे कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जोमेटो का ब्लॉग कुछ तो करना चाहिए, उधर भी पे हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़का चेतन के नाम से, BADKA चेतन के नाम से, BADKA। जलवा है हमारा। तो ये स्टोर टू लिखा इसी के दरवाजे पे टांगना है ना भैया? क्या हुआ? हाँ, रेड कलर का जग रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, यहीं पे टांगे दे रहा हूँ। हाँ, टांग भी दिया। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो बता देना, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। मैंने क्योंकि हो जाता है ना भैया, कभी ऑर्डर दे के जाते हैं, इसे हैं लटका के जाते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ चलो भैया, ये ऑर्डर इनको डिलीवर कर दिया, लटका दिया है, और ऑर्डर डिलीवर करते हैं। इसे कितने पैसे मिले? 65 रुपये मिले भाई। गो टू होम एक्टिवेटेड हो गया होगा आई थिंक सो। 8:30 बज रहा है, गो टू होम नहीं एक्टिवेट हुआ, ऑर्डर आ गया। अबे भाई ये तो गलत हो गया भैंस के टांग, वापस जोन खींच लिया भाई। 7 किलोमीटर का ऑर्डर, ये तो गलत है भाई। देख रहे हो, फर्स्ट माइल चेक करो, 6.15 किलोमीटर। क्या करे भाई, करना तो है। फाइनली भाई, फाइनली वी आर अराइविंग ऑन टुंडे कबाबी ग्रैंड सन्स। ऑर्डर यहीं से लगा हुआ है, लेकिन भीड़ भड़कता है बहुत है ट्रैफिक का, सामने से ये ट्रैफिक आ रहा है, तो यू टर्न मार के आना पड़ेगा मे बी यहीं से। हाँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं, चल के ऑर्डर पिकअप कर लाते हैं। देखते हैं ऑर्डर पहली बात रेडी है या नहीं रेडी है, सबसे समस्या तो बात तो ये है। चलो भाई देख लेते हैं ऑर्डर रेडी है या नहीं। ये हुआ अराइव, ऑर्डर तो रेडी रखा है। जाना कहाँ पर है लेकर के? जानकीपुरम सेक्टर 3 में लेकर जाना है। चलो भैया, 2297 रेडी है भैया, ये 2297 देखिए कहीं रखा हुआ है क्या? हम सुनते ही नहीं ये लोग। पिकअप हो गया है? चलो भाई पिकअप भी हो गया है, और फटाफट से चलते हैं इस ऑर्डर को देख ले एक बार कहाँ जाना है। ओके, सेंट्रल एकेडमी वाली गली, ये कल्लू वाली गली। अच्छा समझ गए कहाँ पर है। ठीक है कस्टमर, जी जी भैया, बाहर ही आ रहे, आ जाइए बाहर ही आ जाइए सर। 1054 रुपये भैया हमारे हुए। ऑनलाइन करेंगे? कैश है। चलिए अच्छा, कैश दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। 300 वापस कर दीजिए आपस में, आप लोग पेमेंट कर दीजिए। ये पकड़िए आप, कितना है? 1500 है, 300 दे दीजिए आपको, 1199 हुआ दोनों लोग मिला के, 145 हुआ, और आपका अरे 1055 मान लीजिए, 1200 हो गया, 300 वापस कर दीजिए। वो नहीं है, 54 रुपये चेंज नहीं है आपके पास? वापस चेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है? ये लो भाई 54 रुपये, हम तुम 200 हमको दे दो, 200 हमको नहीं है ना, मेरे पास मसला ये
नहीं नहीं अभी जिस कस्टमर के पास जाओ 500 की नोट दिखाता है कहाँ भाई, कितना लेके चलेंगे आप बताइए। हर कस्टमर आप ये देखिए सीओडी, हर ऑर्डर में सीओडी आती है नहीं, हम लोग को नहीं दिखता, आने के बाद दिखता है यहाँ पर। तो भाई था तो सबको दे दे के ख़त्म हो गया, यही बोल रहा हूँ ना, सबको दे दे के ख़त्म हो गया, हर कस्टमर 500 की नोट दिखा। तो 5 मिनट वेट करो, हम कुछ लेने जा रहे हैं इसलिए नीचे आए हैं, आप हम आ रहे हैं तो पैसा लोगे। चलिए ठीक है, 5 मिनट हम यहाँ वेट कर ले रहे हैं, 54 रुपये बका मेरा बचा बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ट्रांसफर कर दो बाकी पैसा, नहीं वरना होता तो मैं, अरे अपने ऐप से ट्रांसफर कर दो, ऐप्स के थ्रू नहीं चलता है ना। हो गया बस करो बस करो बस करो बस करो। फाइनली भाई, फाइनली जो ऑर्डर आया, ये ओल्ड अलबेग देख रहे हो, यहाँ से ऑर्डर आया हुआ है। अब इनको पता नहीं कितना टाइम लगेगा शायद रेडी वेडी करने में, देखे पहले मेरा तो रेडी रखा है भैया। बढ़िया मेरे भाई, क्या हाल है बताइए साहब। 5138 रेडी है। हाँ तो वो तो करेगा ही, हमने आपसे तभी बोला था कि जब बनवाओगे तो हैंग करेगा, वो झेल नहीं पाएंगे। हाँ इसी से ही है, 5138 है तो छोटू रेडी है। ये मेरा तो नहीं है, चिकन लॉलीपॉप 4 पीस है, पोटैटो फ्राइज है। फाइनली भाई ओल्ड अलबेग वाला ये ऑर्डर और ये रहे ओल्ड अलबेग, दिख रहा है कि नहीं, छोटा कर दे तब दिखेगा। ये रहे ओल्ड अलबेग, ठीक है ये रहे। और ये ऑर्डर डिलीवर करने के बाद भाई मेरे को एक ऑर्डर और करना है इंसेंटिव, तब मेरे को कंप्लीट मिलेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:20, ये ऑर्डर 11 से पहले डिलीवर करना है, मतलब 11 से पहले वो वाला ऑर्डर भी लगवाना है मेरे को। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग गया, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ऑर्डर लग जाए, चाहे 20 रुपये का ही लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऑर्डर से मतलब है, ऑर्डर काउंटिंग में एक ऑर्डर कम है। तो चलते भाई फटाफट से, ये ऑर्डर डिलीवर करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर लगवाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए भैया, कॉल काट दे रहा मैं, एक सेकंड। चलो भैया ये ऑर्डर दे दीजिए कस्टमर को। भाई जो बताया था एक ऑर्डर कम बता रहे हैं इंसेंटिव है, 380 रुपये पे 110 रुपये इंसेंटिव है। तो अभी मेरा ये काम हो चुका है, वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये वाला ऑर्डर 60 रुपये का है, तो यहाँ पर अपन आके इजी 60 रुपये कर देंगे, तो 382 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। मतलब अर्निंग वाइज तो इंसेंटिव कम्प्लीट है, बट कंपनी दो कंडीशंस डालती है कि उनकी अर्निंग भी कम्प्लीट करो और उनके ऑर्डर्स भी कम्प्लीट करो। तो एक इंसेंटिव अचीव हो चुका है, बस टाइम तो है अपने पास भाई, कंपनी को कायदे में लगाना चाहिए ऑर्डर, मतलब अभी पूरा 30 मिनट है। अब हो सकता है कंपनी को अगर बचाना होगा अपना वो 100 रुपये 110 रुपये बचाना होगा तो नहीं लगाएगी भाई, इससे तो लगाना चाहिए आई थिंक। नहीं हम कोशिश कर लेंगे भाई एक बार ऑर्डर के लिए, और क्या है, अपन कोशिश ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं जो अपने हाथ में। तो इन्फॉर्म करते हैं भाई आपको जैसे ऑर्डर लगता है तब। हाँ 2000 years later फाइनली भाई, फाइनली संगम रेस्टोरेंट हम आ रहे हैं, तो उसका मतलब समझ लो कि ऑर्डर आ चुका है, और ऑर्डर आया है तो मतलब इंसेंटिव हो गया है, बस ये ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो एकदम 100% श्योरिटी आ जाएगी। ऑर्डर रेडी रख रखा है, 1 किलोमीटर पर देना भी है, और देने के बाद यहाँ पर सीधे लगा लेते हैं भाई हम गो ऑफलाइन सीधे, ये ऑर्डर डिलीवर करेंगे, आईडी बंद। चचा 0721, अच्छा तुम हो, मेरा चचा है, 0721 दे देना भैया। ये पिकअप हो गया, ठीक है, कहाँ देने की हो रही है, चलो एक के टू यू हैप्पी बर्थडे एक के टू यू। तो यहीं बगल से निकलना है, फटाफट चलते हैं इस ऑर्डर को डिलीवर करने, ये वाला ऑर्डर आपके साथ में डिलीवर करेंगे। हाँ भाई इसको रख लें बैग में। ये लीजिए भैया, शुक्रिया। चलो भाई ये जो लास्ट ऑर्डर है इनको दे करके डिलीवर, वो दिखाएंगे पैसा कितना मिला, पहले आप मीटर चेक कर लो भाई,
496 हो रखा है, मतलब 101 किलोमीटर एग्जैक्टली चली है बाइक। ठीक है भाई, पैसा मिला 23 रुपये इसका। चलो भाई आईडी हो गई बंद, 9 मिनट का ब्रेक है, वो कंफर्म हो चुका है आपको। और ये दिखा देते हैं इंसेंटिव, ये इंसेंटिव है। ठीक है, बाकी घर चल के बताते हैं क्या हुआ आज। हाँ भैया जी, आ गए घर पर, एकदम खा पी के, एकदम नहा के भी एकदम फिट हो चुके हैं। और एक बात बता भाई, जगते जगते मेरे को ऑल्टरनेट पता कितना टाइम हो गया, मैं कर परसों सुबह उठा था 8 बजे, यानी कल भी नहीं परसों सुबह 8 बजे का उठा, 8 से 8 अभी 2 हो रहा, 48 घंटे होने वाले हैं, 6 घंटे कम है, यानी कि 48 में 6 42 घंटे हो चुके जगते हुए मेरे को। भाई आंखें शायद आपको दिख रही हो ना दिख रही हो तो पता नहीं, लेकिन एनर्जी अभी कुछ कुछ मात्रा में केवल स्टोर है। बाकी मैं दिखाता हूँ जोमाटो, मैंने 6 घंटा काम करा, मेरे को अर्निंग कितनी हुई है आपको सब दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतनी विशेष अर्निंग नहीं हो पाई, कोई आज वीकली वो था नहीं, सैटरडे था, सैटरडे के हिसाब से जो अर्निंग हुई वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, कुछ इस प्रकार से हुई है कि 6.2 आवर्स लॉग इन थे, 12 ऑर्डर करे और 782 रुपये की अर्निंग हुई है, और 110 रुपये का इंसेंटिव भी है, 82 और 10 मतलब वो जोड़ोगे तो 7 1 800 मान लो, मोटा मोटी 100 रुपये इंसेंटिव, 900 रुपये का काम है 6 घंटे में हुआ, जिसमें से 200 रुपये की पेट्रोल निकाल सकते हो, मतलब 100 किलोमीटर चलिए 101 किलोमीटर, तो 200 रुपये की पेट्रोल निकाल सकते हो विद मेंटेनेंस, अपन 2 रुपये किलोमीटर के साथ जोड़ते हैं तो 900 में 200 पे 700 बचे भाई 6 घंटे में खा पी करके, तो बहुत ज़्यादा सही बचा, आज का अनएक्सपेक्टेड अर्निंग हुई है, तो भाई मज़ा आ गया। और वीडियो बताना भाई अच्छी बनी है या कैसी बनी, जैसी बनी है यार आप लोग के तक पहुँचा दी, जो कुछ भी मतलब मेहनत से पहुँच पाई है वहाँ तक आप तक के डिलीवर कर दिए, तो आप लोग जज करना कैसी है वीडियो क्या है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फेल के जाना, बाकी मिलते हैं आपसे कलम, जय हिंद जय भारत।